जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आईपी एड्रेसेस के बारे में एंड उसके क्लासेस के बारे में, आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपी एड्रेस को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम पब्लिक आईपी को चेक कर सकते हैं, देन कैसे हम प्राइवेट आईपी को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लोकल होस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे हम डायग्नोस और जो टेस्टिंग पर्पस के लिए जो भी टूल्स का हम यूज करने वाले हैं उसे हम एक्टिवेट करके आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भी कोई सा भी वेबसाइट को कैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे, लाइक जो हमारा जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1 इसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, सारी चीजों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम अपने पब्लिक आईपी को रीड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं पब्लिक आईपी को, फिर कैसे हम अपने प्राइवेट आईपी को चेक करके देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 127 वाली जो आईपी है उसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइक जो भी डायग्नोस पर्पस के लिए या टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज में लेने वाले हैं, कैसे इस प्रोग्राम को हम एक्टिवेट करके यूज करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसे हम कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना क्रोम ब्राउजर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपने सर्च बार में लिख चुका हूँ व्हाट इज माय आईपी, सिंपली उतना सा लिखने के बाद आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज माय आईपी, जैसे मैं सर्च किया तो यहाँ पर ये मेरा पब्लिक आईपी शो कर रहा है। गाइस ये जो आईपी आप देख रहे हो ये आपका पब्लिक आईपी है। अगर आप अपने गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज माय आईपी तो आपको ये रिजल्ट शो करके देगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो भी पब्लिक आईपी क्या है, देन कैसे आप उसके रीड कर पाओ, ये सारे रीजन आप रीड कर सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा जो प्राइवेट आईपी है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइस हमारा जो प्राइवेट आईपी काफी ज्यादा यूनिक होता है, काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि पब्लिकली कोई हाईलाइट नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता पब्लिकली। तो अभी हम देखेंगे अपने प्राइवेट आईपी को। तो इसके लिए आपको अपने विंडोज के अंदर सीएमडी को ऑन कर लेना है। तो सिंपली मैं विंडो आर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीएमडी, सिंपली मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो सीएमडी ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सीएमडी में जाकर मैं कमांड टाइप करूंगा लाइक आईपी कॉन्फिग। देख सकते हो सिंपली मैं आईपी कॉन्फिग क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखा है IPv4 address, यहाँ पर लिखा है 192.168.43.108, यहाँ पर आपको आईपी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आईपी को फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसे आपको किसी को शो नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये दोनों आईपी को हमने देख लिया है कि प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है। देन हमें प्रैक्टिकली जाना है कि कैसे से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस है 127, इसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं इस आईपी एड्रेस को कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको इस आईपी को एक्टिवेट करना पड़ता है। बेसिकली इस आईपी एड्रेस का जो यूज होता है वो है टेस्टिंग और डायग्नोस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। हम चलिए इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कंट्रोल पैनल में। तो सिंपली मैं अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले फोल्डर को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले फोल्डर को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑन विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ। तो सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है, तो आपको कुछ टाइम सिंपली वेट करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज को एक्टिवेट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज होस्टेबल। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सिंपली से आपको चेक करना है। इसके बाद आपको जो होस्टेबल वाले सेक्शन है तो दोनों को आपको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप दोनों को अलाउ कर लोगे, ऑन कर लोगे, इसके बाद आपको सिंपली ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको कुछ टाइम सिंपली वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो होस्टेबल जो एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इससे आप
टेस्टिंग कर सकते हो, अपने कोई से भी वर्लेबल वेबसाइट को आप टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ टाइम लग सकता है, सिंपली आपको वेट करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमें इसे चेक करना है कि ये जो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको अपने डिस्पेंसरी को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सी ड्राइव पे जाना है। जैसे ही आप सी ड्राइव पे जाओगे तो यहाँ पर आई नेटवर्क नाम का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसे सिंपली आपको ओपन करके देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ये जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसे आपको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वापस से गूगल में जाना है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो मैं क्रोम ब्राउजर में आ गया। यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको वो आईपी का रेंज है उसे सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 127, यहाँ पर आप देख सकते हो 127.0.0.1, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर इस आईपी एड्रेस को आप सिंपली सर्च करते हो तो यहाँ पर आपका जो होस्टिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको विंडोज का दिखा रहा है, यहाँ पर आपको अपने जो भी डेटा है, जो भी वेबसाइट का सोर्स कोड है, उसे आपको कॉपी कर लेना है चेक करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने होस्ट को इनेबल कर सकते हो, अपने होस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हो, जहाँ से आप अपने हैकिंग के कुछ प्रैक्टिकल लैब क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे अटैक वगैरह को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपने होस्टिंग को एक्टिवेट कर लेना है। आई होप गाइस इस क्लास में आपको समझ आ गया होगा पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के बारे में, तो कैसे आप अपने होस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इससे भी कुछ और बेहतर चीज़ों के बारे में। इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।